नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। कल सदन के अंदर और सदन के बाहर कोहराम मचा रहा। बाकायदा सदन के अंदर जहां पुलिस सशस्त्र विधेयक के खिलाफ विपक्षी पार्टियों ने मोर्चा खोल दिया, उसके बाद जिस तरीके की चीजें सदन में हुई, शायद इतिहास के काला दिन के रूप में याद किया जाएगा। बाकायदा कई बार ऐसे मौके आए जब सत्ता पक्ष विपक्ष के विधायक आमने सामने हुए, कहीं ना कहीं जो है नोकझोंक भी हुई है, लेकिन कल जिस तरीके से हुआ ये वाकई में इतिहास में काला दिन के याद के रूप में याद रखा जाएगा। यहाँ तक कि जो महिला नेत्री थी, राजद की विधायिका, विपक्षी पार्टी का विधायिका, जो पूर्व मंत्री रह चुकी हैं, उनके साथ धक्का मुक्की हुआ और पुलिस ने जिस तरीके से उन्हें खदेड़ा, जिस तरीके से धक्का मुक्की की, आपने देखा होगा सीढ़ियों पर ऊपर से ही धकेल दिया जा रहा था। इसमें कई विधायक को गंभीर चोटें आई और बाकायदा आपको याद होगा सतीश कुमार बाकायदा ये कहते हुए पाए गए कि पप्पा मुझे बचा लीजिए, ये लोग मुझे मार देंगे। और बाकायदा जब पत्रकार से सवाल पूछा तो बोला कि अभी हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। और यहाँ तक कि एक भाकपा के विधायक बेहोश पड़े थे और इसके बाद जो है अब कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष विपक्षों के निशाने पर है। नीतीश कुमार को हिटलर कहकर पुकार रही है, उन्हें हिटलर का जो है तगमा दे रही है। जिस तरीके से कल कुछ भी सदन के बाहर सदन के अंदर हुआ, ये वाकई में ऐसा नहीं होना चाहिए था। किस तरीके से पुलिस बल पर आरोप है कि उसने बाकायदा कई विधायकों के छाती पर बूट रख करके पीटा है, महिलाओं के साथ बदसलूकी की गई। और इसको लेकर आरजेडी के वरिष्ठ नेता जो शिवानंद तिवारी हैं, उन्होंने बाकायदा एक पोस्ट लिखा है और कहा है, विधानसभा में जो कुछ हुआ क्या वह जरूरी था? नीतीश जी, सरकार के पास पर्याप्त पुलिस बल हैं। एक एक विधायक पर 10-10 पुलिस वालों को लगाकर उनको उठाकर कहीं भी पहुंचा दिया जा सकता था, लेकिन विधायकों के साथ जिस ढंग से व्यवहार हुआ है वो भविष्य के प्रति शुभ संकेत नहीं है। हमारे पुलिस और प्रशासन का चरित्र औपनिवेशिक है। अंग्रेजों ने इसका गठन जनता की सेवा के लिए नहीं बल्कि उनके दमन के लिए किया था। जहां भी सरकार के विरुद्ध स्वर उभरे तक्षण उसे कुचल दिया जाए। उसी पुलिस बल को नीतीश जी निरंकुश बनाने वाले कानूनी अधिकार देने जा रहे हैं। आज भी अंग्रेजों की बनाई मानसिकता से ही पुलिस बल काम कर रहा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। विधानसभा की आज की घटना ने यही साबित किया। ऐसे में विरोधी दल के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। सरकार के खिलाफ समाज के अलग अलग तबकों में काज विरोध प्रदर्शन हो रहा है। शिक्षक हो या जीविका दीदी, सब बेचैन है। नीतीश जी अंग्रेजों की तरह ही सभी विरोधियों को कुचल देने की कानूनी ताकत से पुलिस बल को लैस कर रहे हैं। इसलिए जैसे भी संभवतः प्रतिपक्ष ने उक्त कानून का विरोध किया है और आगे इस विरोध को जारी रखेंगे। बाकायदा शिवानंद तिवारी जो आरजेडी के वरिष्ठ नेता है, उन्होंने अपने पोस्ट के जरिए नीतीश कुमार पर हमला किया और बाकायदा इस विधेयक का विरोध इस बात पर भी किया। एक जमाना था जब उग्रवादी और रणवीर सेना आमने सामने थी, जो कत्लोआम हुए थे, नरसंहार हुआ था, उस वक्त भी इस तरीके से पुलिस को कहीं ना कहीं ताकत नहीं दी गई थी। विपक्षी पार्टियों का यही कहना है कि जिस तरीके से पुलिस लगातार बिना किसी प्रमाण के आम लोगों को परेशान करती है, और बाकायदा कई ऐसे प्रमाण है, आपको पता होगा हाईकोर्ट का डिसीजन भी आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि पुलिस जो है कहीं ना कहीं दलितों को, गरीबों को शराब के नाम पर जेल में तो बंद कर दे रही है, लेकिन बाकायदा जो बड़े बड़े माफिया हैं, जो जिनके पॉलिटिकल पार्टी से रिश्ते हैं, नेताओं से रिश्ते हैं, उनके बीच और प्रशासन के बीच कहीं ना कहीं साठगांठ है। हालांकि जब विपक्षी पार्टियां आरोप लगाती हैं, नीतीश कुमार कह के निकल जाते हैं, विपक्षी पार्टियां आरोप लगाती हैं, लेकिन हाईकोर्ट का ये कह सकते कठोर जो ये टिप्पणी थी, ये कहीं ना कहीं बताता है कि प्रशासन और जो रसूखदार लोग हैं उनके बीच में जो है एक अच्छा खासा संबंध होता है। और इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं इस विधेयक का विरोध किया गया कि अगर ये विधेयक पास हो जाता है और सशस्त्र पुलिस बलों को अधिकार मिलता है तो कहीं ना कहीं इससे विपक्षी पार्टी के नेताओं को, साथ ही साथ आम लोग जो सत्ता के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, उनकी आवाज़ को कुचल दिया जाएगा। और इसके खिलाफ सदन में जो है विरोध प्रदर्शन किया गया, लेकिन जिस तरीके से विपक्षी पार्टी के विधायकों को बूटों से पीटा गया, सीढ़ी के ऊपर से धकेला गया, अगर वो चाहते तो बाकायदा उनको बाहर भी किया जा सकता था, लेकिन जिस तरीके से कुचला गया, आपने कल तो जायसवाल को देखा होगा किस तरीके से वो रो करके बिलख पड़ी थी और बाकायदा रोते हुए कह रही थी कि नीतीश कुमार की पुलिस है, वो चाहे जो कर ले। और बाकायदा पीटा भी गया, महिलाओं तक को बक्सा नहीं गया, जिस नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है उनने बाकायदा महिलाओं को सशक्त किया है। लेकिन कल जो कुछ भी हुआ वो बेशक इतिहास के काला दिन के रूप में याद रखा जाएगा। आप देखते रहे भारत लाइव, आपको पल पल की खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।